अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम एहतिशामुल हक है और आप देख रहे हैं उसामा तबीर चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे और आपको दुनिया आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज हम बात करेंगे हाम हज करने की मुख्तलिफ सूरतें और इसकी मुख्तलिफ तबीरों के बारे में। हाम हज करना दलील है सबहा, अगर बीमार है तो शफा पाएगा। अगर मकरूज है दलील है कर्ज अदा हो जाएगा। अगर ताजर है तो खूब नफा कमाएगा। अगर मुसाफिर है तो सलामती के साथ अपने वतन वापस आएगा। अगर गुनाहगार इंसान यही हाब देखे तो दलील है वो अपने गुनाहों से तोबा करेगा। हाम हज करने की एक दलील यह भी है कि सबहा हज करेगा, खासकर यह हाब हज के महीने में आए। अगर कोई ख्वाब में देख के हज को गया है लेकिन हज नहीं कर सका, दलील सबहा की उम्र लंबी होगी और इसका काम दुरुस्त होगा। अरफा के दिन ख्वाब में हज करना दलील सबहा किसी से सुलह करेगा। अगर कोई ख्वाब में देख के खाना काबे में नमाज पढ़ता है, दलील बुजुर्गों से नफ़ा पाएगा और इसका काम बेहतर होगा। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाम में हज करना सात वजह पर है। नंबर एक, निकाह करना। नंबर दो, कनीजा खरीदना। नंबर तीन, इंसाफ पसंद हुक्मरान से मुलाकात करना। नंबर चार, नेक काम करना। नंबर पाँच, नेक काम करने की कोशिश करना। नंबर छः, सवाब की उजरत पाना। नंबर सात, अहले इल्म की महफल हासिल होना। अगर आपने कोई ख्वाब देखा है और इसकी तबीर जानना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर मैसेज करें या कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।